नमस्ते और आप सबका ब्यूटी विद ट्विस्ट हमारे चैनल पे स्वागत है. वेलकम बैक टू ब्यूटी विद ट्विस्ट. आई नो यू आर ऑल सरप्राइज्ड टू सी माय हिंदी अवतार, आई मीन द हिंदी लैंग्वेज. बट अब भाई ऐसा है कि मुझे काफ़ी बार पहले भी सजेशंस मिले हैं फ्रॉम माय हस्बैंड, मेरी बहन, भाई, माय मॉम, माय डैड, इवन माय फ्यू क्लोज फ्रेंड्स की मैं हिंदी में क्यों नहीं स्टार्ट करती. बट ऑनेस्टली आई सक एट स्पीकिंग हिंदी. आई मीन मेरा हिंदी बहुत बैड है और अभी जो ट्रोलिंग का जमाना चल रहा है, आई एम स्केयर ऑफ दैट. आई एम श्योर ये वीडियो के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग सो मेनी निगेटिव कमेंट्स कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते तो क्यों कर रहे हो, इट्स ओके, कंटिन्यू विद इंग्लिश, दैट्स फाइन. बट समडे और द अदर आई वॉन्टेड टू ट्राई माई हैंड एट हैविंग अ हिंदी वीडियो. सो देर इट इज. आई थिंक कि ये एक सही टॉपिक है टू स्टार्ट विद बाइलिंगुअल वीडियो. Like, of course, I will be speaking in English also because I'm not comfortable. My vocabulary is bad in Hindi. So, but it'll be like Hindi or English mila ke dono. I'll try my best ki main Hindi ka istemal zyada karu aur English ka kam. So, wish me all the best. And yeah, so this video is about skincare. Ye video main kafi dino se, rather kafi mahino se karna chahti thi. But then, yeah, like always. अभी मुझे टाइम मिला एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम. तो ये जो वीडियो है ये दो हिस्से में बटा होगा. एक हिस्सा जो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन फ्रॉम इनसाइड, लाइक अंदरूनी, जैसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो पहले आप ऑलवेज रिमेम्बर, जो अंदर जाता है वैसा ही तुम्हारा चेहरा दिखता है. तो एक वो हिस्सा रहेगा एंड पार्ट बी विल बी फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ. इनिशियल डिस्क्लेमर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इन एन एक्सपेक्टेशन कि मैं आपको बहुत जैजी, ब्रांडेड, इन ट्रेंड, फैशनेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ, तो आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू. शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है. इसमें कोई भी ऐसा होने वाला, ऐसी चीज़ें मैंशन नहीं होने वाली है. आई विल बी फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, शेयरिंग दोज इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस ऑफ माइंड जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करती हूँ वर्क करता है. सो या अगर आप चाहते फिर भी, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ, देन प्लीज होप यू स्टे बैक अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद दिस. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज द स्किन केयर इन अ ट्रू सेंस, लाइक माई डेली रूटीन. सो आई बिलीव कि आप जैसा खाते हैं वैसा ही आपका स्किन दिखेगा. आप जंक फ्राइड, अनहेल्दी, जिसमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स लेस फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली आपके फेस पे वही दिखेगा कि बिल्कुल शाइन नहीं है, डल हो गया है, एक्ने है, ब्रेकआउट्स है, झुर्रिया आने वाली है, यू नो ऑल ऑफ दैट. बट आई बिलीव कि आप जितना हेल्दी खाओगे उतने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे, उतना आपका स्किन हेल्दी रहेगा, प्रॉब्लम फ्री रहेगा. सी एक्नेस कभी कभी आते हैं, नहीं आते हैं. आई कैन नॉट से एक्ने फ्री बिकॉज लेट्स बी रियल, जिसे होता है कि अपने मंथली पीरियड्स का टाइम, फॉर स्पेशली फॉर मी, तब मुझे एक्ने आते ही है. कभी कभी आप स्ट्रेस में होते हो, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, कभी बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी आप अपने तरफ, खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो एक शरीर का एक ये तरीका होता है दिखाने का कि एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, कम ऑन, इट्स हाई टाइम यू रियली फोकस ऑन योर सेल्फ. वेल, सो यस, यू शुड बी फोकसिंग एंड ईटिंग हाईली न्यूट्रिशियस फूड विच इज फुल ऑफ विटामिन्स, आयन्स, पोटेशियम, मैंगनीज, बी विटामिन्स, कैल्शियम, यू नो ऑल ऑफ दिस रिच फूड. Try and reduce the intake of junk food, packed food, because obviously packed food mein it's processed food, it's not freshly made, so usme nutrients you cannot expect. Aur pata nahi kitne dino se hai uska, agar hoga bhi to kitna effect hoga. Aur usme wo preservatives add karte hai, preservatives are not good for your skin, not good for your hair. So see to it ki aap fresh food khate ho. So the second point that इसी में I have to specially mention is try to increase the intake of vitamin C. Like जैसा मेरा होता है, I generally have half to one lime a day in any way.
लाइक आई विल हैव इट सुबह गर्म पानी के साथ या फिर आई विल हैव इट सब्जी के साथ एज अ स्पाइसी फूड न्यूट्रलाइजर और आई विल जस्ट हैव इट आई लव इट एंड माई सन ऑल्सो ईट्स लेमन जस्ट as crazily as I eat it. So lemon is really good. See to it ki vitamin C is good for your skin, but aap kisi cheez ka bahut zyada you don't make it use it in excess, you know, because excess anything in excess is bad for your health. Any like you know, vitamin C bhi agar aap bahut zyada use karoge to it will brittle your bones. So see to it that हर एक चीज आप एक सही मात्रा में ये ले, किसी चीज का भी बहुत ज्यादा अतिरिक्त इस्तेमाल ना करें, बस सही मात्रा में करें. आई एम नॉट श्योर इफ द वर्ड अतिरिक्त इज करें. आई एम रियली सॉरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ट्रस्ट मी. देन द सेकेंड पॉइंट आई हैव, एक्चुअली आई एम लुकिंग डाउन बिकॉज आई हैव मेड अ नोट और मेरे पास सब पॉइंटर्स लिखे हैं सो दैट मैं कुछ मिस ना करूं, यू नो. I just want to be sharing with you हर एक चीज जो मैं खुद करती हूँ, because ये मेरे experience है, ये कहीं book से लिया हुआ नहीं है. So the second most important point after healthy food is good quantity of water. दिन में शायद 2.5 से 3 liter पानी पीना जरूरी है, because पानी clean करता है body को, tissues को, cells को regularly. आप ज़्यादा नहीं पियेंगे तो बस basic flush out होगा, not like in real sense. Also जितना कम पानी पियोगे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी रिंकल्स झुर्रियां बढ़ेगी, आपका एजिंग ज्यादा होगा. ज्यादा पानी पियोगे तो योर स्किन इज सॉफ्ट, सपल, लस्टरस एंड इतना एजिंग, इतने रिंकल्स आते नहीं है बिकॉज उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, पानी से थोड़ा मॉइस्चर स्किन में इंटैक्ट आता है. सो सी टू इट कि आप पानी का इंटेक 2.5 से 3 liter रखें, अगर है तो मेंटेन इट, वो भी ज्यादा ना करें बिकॉज एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर में लीड टू डिप्लीशन ऑफ सोडियम. So see to it कि आप 2.5 से 3 liter is just fine. Then moving on to other stuff that is hygiene habits. काफी बार हमारे घर पे hand towel होते हैं washroom में, लेकिन face towel अलग से हम maintain नहीं करते. In my house at least my hand towel is different and face towel is different because कभी कभार ऐसे ही हाथ hand towel को पोछ लेते हैं, कभी हाथ धो के पोछते हैं, you don't know. Hand towel में सबसे ज्यादा germs हो सकते हैं. So face is a sensitive place जहाँ पे we have to be more careful. इसलिए face towel अलग से maintain करें and जब आप चेहरा पोछते हो तो rub ना करें, because फिर जिनकी sensitive skin होती है उनको rash हो सकता है या फिर scratches आ सकते हैं. It's not right. You should always dab your face gently, pat dry जिसको बोलते हैं, कि बस ऐसा towel चेहरे पे लगाया तो पानी जितना absorb होगा उतना होगा. आप ज्यादा खींच खींच के उसको ड्राई करने का कोशिश करेंगे तो यू आर अब्सॉर्बिंग द बेसिक नेसेसरी ऑयल्स फ्रॉम योर स्किन, तो उसकी जरूरत नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिनकी ऑयली स्किन है, स्किन के 3-4 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली एंड वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ स्किन टाइप्स. आई कम टू अ कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा ऑयल सिक्रीशन फास्ट होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है. सो ऑयली और सेंसिटिव इज वॉट आई फील को क्या करना चाहिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार सिर्फ हल्के पानी से, साबुन का यूज करने की जरूरत नहीं है, हल्के पानी से चेहरा धोना चाहिए. बिकॉज जब ऑयल होता है तो ऑयल के ऊपर धूल मिट्टी सब चिपक जाती है, फिर चिपकी, ध्यान नहीं आया, हमने क्लीन नहीं किया तो वही स्किन में पोर्स खुलते हैं, उसमें एब्सॉर्ब होता है और एक्ने होते हैं. सो दैट वे ऑयली स्किन को ज्यादा केयर लेना है, इसीलिए oily skin is zyada prone to acne. Very minimum amount of oil is necessary for the moisture in your skin. आप अगर 2-3 बार face wash से करोगे या फिर ऐसे soap लेके करोगे तो you are taking out even the necessary amount of oil in your face. You don't have to do that. Next thing that I suggest is use a mild soap. Never use अपने जो body का Lux, जैसे Lux, Santoor और वो सब. Body soap are never to be used on face. Always use a face wash, but still if you have a sensitive skin, I would suggest to use a baby soap. क्योंकि baby soap ये खास बच्चों की, एकदम babies के त्वचा के लिए बनाया है, तो वो त्वचा सबसे ज़्यादा sensitive होती है even अपने skin से. So चेहरा हमेशा face wash से धोया कीजिए, अगर नहीं तो baby soap से, but
अपने बॉडी सोप से बिल्कुल नहीं, दैट्स अ कंप्लीट नो नो. वी ऑल नो रियल एक्ने प्रॉब्लम्स. एक्ने कैन गो इन फ्यू डेज, एक्ने कैन स्टे देयर फॉर एवर. एंड बिसाइड्स दैट द what scares me is acne marks. So anyway, not to scare you, let's move on to the next point. So अगला point ये है कि generally क्या होता है, ये summers में, गर्मियों की season में होता है. जैसे मैं, मेरा oily face है, plus मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पसीना भी आता है. और गर्मियों के season में जब पसीना आता है, बहुत ज़्यादा खुजली करने का जैसा feel होता है ना. I feel like itching over here, especially this area, or under your eyes. और मे बी समटाइम हियर ऑन फेस अक्रॉस लाइक हियर इधर कभी भी होता है खुजली जैसा. एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट, आप उसको यू नो कम्प्लीटली हटा नहीं सकते. बट वॉट यू कैन डू इज गर्मियों के सीजन में सी टू इट कि आपके नाखून कम है, यू कट देम शॉर्ट, या फिर इतने लेंथ के हैं, या फिर वो क्लीन है. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर बार ये हम ओ मुझे खुजली आ रही है, एक मिनट लेट मी चेक, नहीं नाखून गंदे, लेट मी वॉश माई हैंड्स एंड देन यू नो आई विल स्क्रैच माई फेस. ऐसे होता नहीं है, लेट्स गेट प्रैक्टिकल. वो जस्ट सबकॉन्शियसली हो जाता है, यू जस्ट टेंड टू स्क्रैच योर फेस सबकॉन्शियसली. सो इसलिए माई सजेशन इज एंड समथिंग दैट आई फॉलो, जनरली समर सीजन में आई कट माई नेल शॉर्ट, सो दैट जब भी खुजली हो तो इट्स सेफ, कुछ जर्म्स बैठते नहीं. बिकॉज क्या होता है, जब आप खुजली करते हो तो कभी कभार जेंटली यू टेंड टू स्क्रैच योर फेस, और नाखून के अंदर के जो जर्म्स है अगर वो उसमें सेटल हो गए, देन देर आर एक्ने एंड अगेन एवरीथिंग बिगिंस. सो सी टू दैट यू हैव क्लीन नेल्स, और एटलीस्ट नॉट देन कट योर नेल शॉर्ट इन द समर सीजन. देन द नेक्स्ट थिंग इज यूज माइल्ड फेस स्क्रब वंस अ वीक ओनली अनलेस इन ट्रैवलिंग जॉब. सो विच मीन्स कि आई थिंक जनरली अभी बहुत यू नो ये मेरा मानना है कि फेस क्लीनिंग या फिर ये सब क्रीम्स मास्क स्क्रब्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. इट हैज़ बिकम अ फैशन एंड अ ट्रेंड, बट एक्चुअली इट शुड नॉट बी द केस. सो वॉट आई फील इज स्क्रबिंग येस इज नेसेसरी टू रिमूव द डेड स्किन और स्किन को हेल्दी रखने के लिए, त्वचा को हेल्दी रखने के लिए. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हफ्ते में दो बार से ज़्यादा स्क्रब करो, बिकॉज अगेन स्क्रब में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे एप्रिकॉट, वॉलनट, इसका पाउडर होता है, और कभी कभार वो थोड़ा कुरकुरा, यू नो इट्स लाइक होर्सली ग्राइंडेड, इट्स नॉट द पाउडर इज नॉट सॉफ्ट, एंड वो अगेन कैन कॉज रैशेज टू योर फेस, और कॉन्स्टेंटली योर स्किन इज नॉट हीलिंग. बस स्क्रब करो, फिर नए से कुछ हल्के हल्के रैशेज जख्म हो रहे हैं, वो हील हो रहा है, उसके पहले फिर से यू गोइंग टू स्क्रब. सो डोंट डू दैट, इट्स नॉट नेसेसरी. नेवर ओवर डू थिंग्स, दैट्स द बेस. वंस ट्वाइस इज फाइन. इफ यू आर इन अ मार्केटिंग ट्रैवलिंग जॉब की जहाँ पे दिन में यू आप घूम रहे हो 5-6 बार, यू नो पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा घूमना हो रहा है, तो बात अलग है, शायद 3 बार, बट फिर भी आई थिंक 1 या 2 बार से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. यू कैन यूज़ मार्केट रिसर्च कीजिए और देखिए कि कौन से इसमें एप्रिकॉट स्क्रब है और जो बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा ट्राई कीजिए एंड देन यूज इट. गो फॉर अ सैम्पल साइज और गो फॉर अ ट्रैवलिंग साइज, तो वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है एंड ईजी टू ट्राई मल्टीपल प्रोडक्ट्स कि इसमें से कौन सा आपके स्किन को स्किन के ऊपर सूट करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फेस केयर पॉइंट इज कभी भी मेकअप लगा के हुए रात को सोना नहीं चाहिए. बिकॉज रात को स्किन का वेयर एंड टेयर एक्टिविटी होता है, रात को स्किन रिजुवनेट होती है, पोर्स खुल जाते हैं. अगर आप मेकअप के साथ सो जाएंगे तो मेकअप विल सीप इनटू द पोर, एंड अगेन माय फ्रेंड यू आर गिविंग एन इनविटेशन टू एक्ने एंड अ बैड टाइम इन फ्यूचर. सो कितने भी आप थके हुए हो, जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट भले कुछ भी हो, आप कपड़े चेंज मत कीजिए, भले जूते मत निकालिए, दैट इज स्टिल ओके. बट अगर मेकअप लगाया है, अगर आप मेरी तरह मेकअप फ्रीक हो कि मेकअप के बिना कहीं बाहर जाते नहीं, मेकअप ज़्यादा एंजॉय करते हो, यू लव मेकअप, या कभी थोड़ा भी मेकअप है, एवरी वन फॉलोइंग इन दिस लैब फ्रॉम लेस यूसेज ऑफ मेकअप टू मोर यूसेज ऑफ मेकअप. द मोमेंट यू अप्लाई मेकअप एंड यू कम बैक होम फ्रॉम एनी फंक्शन और एनीथिंग, एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले चेहरा क्लीन करना चाहिए. दैट्स इट, देर इज नो अदर वे गोइंग अबाउट दिस थिंग, नथिंग, नो. जस्ट सी टू इट कि यू क्लीन योर फेस एंड यू स्लीप
so that भले आप क्रीम मत लगाओ, that's fine, that is absolutely fine, but चेहरा धोए बिना बिल्कुल नहीं सोना चाहिए. At the end there are chemicals, they are bound to harm your skin. So I come to the end of my do's and don'ts. Moving on to the next segment, which I'm sure कि आप काफी लोग ये देखने के लिए यहाँ पे वीडियो तक इतना वीडियो देखा है. This is the products part. So honestly guys, मैं बहुत ज़्यादा products चेहरे पे इस्तेमाल करती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं. I don't believe in that. मेरा बस एक night का gel होता है and then I use daytime cream or moisturizer. And then there is one face pack which I use when I get acne. There is one brand scrub that I use and the cleansing water that I use. So isse zyada hai nahi. This brand I swear by, and that is Plum. Seriously guys, maine Plum ke har ek product nahi try kiya hai. मैंने प्लम का हर एक प्रोडक्ट नहीं ट्राई किया है, लेकिन जितना मैंने ट्राई किया है, आई स्वेयर बाय इट, दे आर द बेस्ट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज एवरी नाइट बिफोर आई गो टू बेड, वो प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल. ये एकदम जेल कंसिस्टेंसी है, पता नहीं, इसको थोड़ा सा हाथ लगा के आई एट टाइम फील लाइक इट्स विक्स वेपोरअप जैसा कंसिस्टेंसी है, बट थोड़ा पतला है. और उसके ऊपर ये लिड आता है, सी टू इट की लिड हमेशा रहे. एंड देन ये कैप, इसमें आई थिंक एलोवेरा है, दिस इज ऑल वीगन एंड इंग्रेडिएंट्स आई डोंट नो, बट सिंस इट्स वीगन आई एम श्योर नथिंग टू वरी अबाउट इट. ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर और जेल, आप इसको कुछ भी बोलो, ऐसी चीज है, इतनी बढ़िया है कि जब मैं रात को लगाती हूँ और सुबह उठ के मेरा चेहरा धोती हूँ, विच इज व्हाट आई डू द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मुझे ऐसे लगता ही नहीं मैंने क्रीम लगाया है या फिर कोई मॉइस्चराइजर या जेल लगाया है. वो इतनी बढ़िया तरीके से मेरे चेहरे में, स्किन में एब्सॉर्ब हो जाता है कि अगले दिन सिर्फ आई एम जस्ट वॉशिंग माई प्लेन फेस. वेर एज कितने सारे नाइट क्रीम्स है जो मैंने लगाए हैं, उनका मेरा अनुभव ये है कि सुबह उठने के बाद जब भी मेरा चेहरा धोती हूँ मैं, तो लगता है कि वो क्रीम चेहरे से उतर रही है. यू नो, वो स्लिपरी फीलिंग आता है क्रीम निकलने का. आई डोंट नो इफ यू हैव फेस दैट. सो आई डोंट बिलीव इन दीज अदर जेल्स बिकॉज आई डोंट नो हाउ फार दे गेट एब्सॉर्ब्ड और रियली वर्क ऑन योर स्किन, बट दिस थिंग डज इट रियली डज. और हर एक का अपना अपना क्वांटिटी लेने का अपना तरीका होता है. मैं इसे बस एक पी साइज इतना ही लेती हूँ और इतना ही ज़रूरत है मुझे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, तभी मुझे ये 7 महीने ये छोटी सी इतनी सी छोटी सी डब्बा, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, इज सफिशिएंट फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू रीपर्चेस दिस. इतना मैं रिकमेंड करती, आई हाईली रिकमेंड दिस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फ्रॉम प्लम is the green tea clear face mask. This is how it looks like. ये बहुत गाढ़ा होता है अपने टेक्सचर में. ये मुझे ना काफी बार मुल्तानी मिट्टी का फील देता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी गाढ़ी वाली होती है ना, वैसे ये गाढ़ा होता है. इसमें पानी थोड़ा लगा के पतला करके चेहरे पे ऑल अक्रॉस लगाना है एंड आपको एक 10 से 15 मिनट रुक जाना है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ड्राई होने तक. ड्राई होने के बाद देन वार्म वाटर से या सादे पानी से चेहरा बस धो देना है. अगेन पैट योर फेस, डोंट रब योर फेस ड्राई, पैट इट ड्राई. सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ लाइट फ्लक्चुएशन बिकॉज आई एम फिल्मिंग दिस इन अ नेचुरल डे लाइट, और बाहर फिलहाल बैंकॉक में बहुत ज़्यादा लाइटिंग का फ्लक्चुएशन हो रहा है, एकदम छाव आ रही है, एकदम धूप आ रही है, बट आई एम एंजॉइंग दिस नेचुरल फील. सो आई थॉट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अभी ये नेचुरल लाइट में ही शूट करूंगी, इसलिए ये पूरे वीडियो में यू गोइंग टू सी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लाइटिंग. सॉरी. सो द वे आई यूज दिस मास्क इज, जो मेरे एकदम जिद्दी एक्ने होते हैं, जैसे मानो काफी दिनों तक जा ही नहीं रहे, इनफैक्ट कम भी नहीं हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहे, लेकिन है और जा नहीं रहे, तो आई वेट फॉर अ वीक और 10 डेज और फिर भी नहीं जा रहे, देन आई अप्लाई दिस मास्क.
लिटरली 2 से 3 दिन में मेरे एक्ने भी जाते हैं और कोई मार्क भी नहीं रहता है. आई हैव यूज दिस नाउ ऑलमोस्ट 4 to 5 times इन दिस पास्ट 1 year एंड आई एम कम्प्लीटली हैप्पी विद इट. दिस इज अनदर प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू रीपर्चेस फॉर श्योर. आई कैन हाईली रिकमेंड दिस. द नेक्स्ट मॉइस्चराइजर दैट आई यूज ऑन माई फेस इज, अभी अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेरा एकदम माई राइड और डाई, माई गो टू, माई वॉट एवर यू कॉल दिस, लाइक माई होली ग्रेल प्रोडक्ट है. एवरी डे मैं लगाती हूँ, सुबह लगाती हूँ. फीलिंग एकदम बहुत सही है इसका. ये भी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ जेल, वाटर बेस्ड जेल. ये क्रीम स्पेशली फॉर ऑयली स्किन के लिए है. दिस इज आई थिंक कॉम्बिनेशन, या दिस इज कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन. सो ये स्पेसिफिक मेरे स्किन टाइप के लिए है. आई रियली लव दिस. आई थिंक ये बैंकॉक में मिलता है, मैंने इसको इंडिया में कहीं नहीं देखा है अनफॉर्चुनेटली. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई यूज इज दिस गार्नियर माइसेलर क्लिनजिंग वाटर. अभी तो ये अभी सबको ही पता होगा कितना बढ़िया चीज़ है ये. और ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब रात को मैं बहुत थकी हुई और मेकअप निकाल के मुझे फेस वॉश करो फिर क्रीम लगाओ वो सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं, लेकिन मुझे मेकअप के साथ सोना भी नहीं है. आई डोंट वांट दैट. तब मैं इसे यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड मेरा आई एम नॉट एबल टू ट्रेस माई सेंट आइज का एप्रिकॉट स्क्रब, बट आई हाईली रिकमेंड दैट एज वेल. उसके जो एप्रिकॉट के जो ग्रैन्यूल्स है वो उन्होंने इतने स्मूथली ग्राइंड किए हुए हैं कि वो बिल्कुल हार्श नहीं है स्किन पे. कभी कभी वॉलनट का हार्श होता है. एंड आई रिकमेंड प्लीज डोंट गो फॉर प्लास्टिक पर्ली काइंड ऑफ अ थिंग बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन. वो डिजॉल्व भी नहीं होता है, प्लस इट्स बैड ऑन द नेचर एज वेल. आई थिंक वी ओ समथिंग टू द नेचर. सो या दीज आर द ओनली प्रोडक्ट्स आई यूज. आई एम हैप्पी एंड विद दिस आई थिंक आई कम टू द एंड ऑफ माई स्किन केयर or you know how to keep your skin good kind of a video. I don't know what I'm going to name this, but I hope you all enjoy this. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If you're new to our channel, please just subscribe. It means the world to us. And yeah, until the next video, take care of your skin, eat healthy, drink lots of water, be stress free, have good sleep, and apply your favorite products before you go to bed. Take care of yourself, stay healthy, stay beautiful. Bye bye.